हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अब पोचिंग की थोड़ा सा दूर था तो मैंने सोचा ग्लाइड करके चले जाते हैं, लेकिन जब मैंने मंजर देखा यार नीचे, भाई इतने सारे बंदे। पहले के टाइम पे तो नहीं आते थे, लेकिन अब के टाइम पे तो यार कुछ ज़्यादा ही हो गया है। कभी कभी आदमी तो यार इतने सारे बंदों को देख के डर जाता है कि मतलब अगर गलती से नीचे उतर भी गया अच्छी जगह पर, तो भाई मैं तो अकेले जा रहा हूँ, बाकी सब अपने अपने टीममेट्स डुओ ट्रियो या स्क्वाड कुछ भी करके आ रहे, लेकिन मैं यहाँ पर अकेला। अब देखना ही होगा गाइस। जो बंदा मेरे ऊपर पुश कर रहा था, जैसे मैं बोल रहा था इतनी देर में, वो बंदा जो है मेरे को आवाज़ आई नीचे से, एंड वो बंदे को जो है निपटा ही दिया, उसको दौड़ा दौड़ा के मारा। लेकिन देखना ही होगा कि क्या मैं यहाँ से जिंदा बच के लौट पाऊंगा इन सब बंदों में से। भाई नेट वेट सब आ रहा मेरी बिल्डिंग में, बिकॉज मैं अकेला हूँ तो सबकी नज़र है मेरे पे। और हाँ, मेरी नज़र भी सब पे है। अच्छा, फ्री होने का ना सबसे फ़ायदा आपको ये है कि कोई भी टीममेट का झंझट ही नहीं है। जितना होल्ड करना है करो, जितना वेट करना है करो, बस वेट कर लो एक जगह पे, किल उठा करो बस अपने। मोस्टली टाइम अगर आप टीममेट के साथ खेलते हो ना, तो आपको फिक्र रहती है, थोड़ा प्रेशर रहता है, टीममेट नॉक हुआ है तो हाँ उस बिल्डिंग पर पुश करना पड़ेगा, और अगर आप नॉक हो गए तो आपके चक्कर में टीममेट आके रश करके मर जाता है। तो मैं यहाँ पे सोच रहा था कि यार अब पुश करूँ नहीं करूँ, क्योंकि चारों तरफ मेरे बंदे ही बंदे हैं, और करूँ भी तो सोच ही रहा था करूँ भी तो किसके करूँ, तभी एक बंदा देखा उसको नॉक कर दिया। और वो सामने देख रहे हो वो जो बिल्डिंग है, ऊपर खिड़की पे देखो जरा, ये फायदे होते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग के गाइस कभी कभी। और जो भी बोलो भाई, ये जो स्कारल का किल फीड है ना, ग्रीन कलर को इतना ब्राइट चमक के आता है, सबसे बेस्ट लगता है भाई, सबसे बेस्ट। स्कारल को उतना यूजली यूज नहीं करते लोग, वरना बहुत बेस्ट रहती है। बाकी गाइस, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में एक चीज बताओ कि आपको सबसे बेस्ट किल फीड किस गन का लगता है। मेरे को तो इस स्कारल का लगता है जो मेरे पास है। और ये जो उजी देख रहे हो ना भाई, इसका तो सबसे ज़्यादा घटिया है भाई, बहुत ही घटिया सा कलर है यार, एकदम सादा सा कलर है। वैसे देखा जाए तो यार मेरे को ग्लेशियर का भी बहुत अच्छा किल फील्ड लगता है, लेकिन स्कारल का अलग ही है। अब मैं इस बिल्डिंग में आ गया था, एक ट्रिपल स्टोरी वाली पहली बिल्डिंग थी, वहाँ से मैंने कुछ किल उठाए, फिर इस बिल्डिंग पर आता हूँ यहाँ से कुछ किल उठाए। अब मेरा पंगा सामने वालों से था, और सामने वाले भी मेरे बिल्कुल सामने थे, वो बंदा देख रहे हो हेड उसका दिख रहा है मेरे को। देखो ग्लेशियर बहुत लोगों के पास हो गई है, मानो ना मानो। फिलहाल मैंने वापस उस घर में जो है दो ऊपर निकाल दिए थे, और एक बंदा नीचे जो पुश कर रहा था उसका भी काम तमाम कर दिया गाइस, वो अभी नॉक पड़ा है वहां पे, दिख रहा है ग्लिच के थ्रू। और जैसे निकला तो मैंने वापस मारने की कोशिश करी, बट वो बंदा जो है फिलहाल वहां से तो निकल गया है। अब ये बहुत होता है अकेले बंदे के साथ, अकेले बंदे को देखा नहीं भाई, चारों तरफ से पढ़नी स्टार्ट हो जाती है, फायर करते हुए लोग जल्दी से छतों पे चढ़ जाते बता। अब वो देखो उधर से मैं बच बच के आया, अभी देखो भाई अकेले बंदे के साथ ऐसे ही होता है, अकेले बंदे को देख के सब छूट के पड़ता है भाई अकेले बंदे पे। खैर मैंने सोचा डायरेक्ट ही ऊपर लैंडिंग करता हूँ मजाक से अटके, बट यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऊपर से तो बस ये ढांचा ही दिखता है। खैर ऊपर से भाई ये अपार्टमेंट बिल्डिंग क्या ही प्यारी लग रही थी, मैं उतरता हूँ यहाँ पे, मेरे जस्ट नीचे बंदा
तो बढ़िया हुआ मेरी जो लैंडिंग है वो बिल्कुल ऊपर हो गई, वरना नीचे बंदा देख रहे हो आप। अब वो भाई एकदम कच्चा समझ के एकदम पागलों की तरह पुश कर रहा था मेरे पे, जैसे कि भाई पता नहीं क्या छूट रहा था इस बंदे का। सो इसको सस्ते में निपटाया, ज़्यादा बुलेट खर्च नहीं करूँगा, थोड़ा गुस्सा भी चढ़ाया था इसको। अब इसकी सारी की सारी लूट मेरी। देन होता क्या है कि यहाँ पे कुछ और बंदे आ जाते हैं गाड़ी लेके, मुझे लगा एक ही बंदा है इसमें, और ये बंदा क्या भागा भाई अपने टीममेट को छोड़ के यहाँ पे से, बट अच्छा हुआ आगे जाके रुक गया, अदरवाइज भाई इसका टीममेट बहुत गाली देता इसको। अब ये इस घर में रुका था, जंप एंड फिस्ट करके गया, लेकिन यार जंप एंड फिस्ट की कमजोरी है कि घरों के अंदर ये नहीं होता है, होता भी है तो मतलब बहुत दिक्कत होती है। और भाई ये बंदा सही खेल गया था वैसे, मेरे को लगा कि ये डायरेक्ट पुश नहीं करेगा, और जिस हिसाब से भाग रहा था गाड़ी चेंज करके मेरे को लगा क्या ही ये फाइट देगा, बट अच्छी फाइट दी बंदे ने। अच्छा अब इसके बाद जो है यहाँ से अपन को थोड़ा सा निकलना होगा गाड़ी लेके, एंड बदला भी तो लेना है यार पोचिंग की वालों से, तो वापस जाता हूँ बग्गी लेके, बट डायरेक्ट पोचिंग की नहीं जाता, बिकॉज अकेला आदमी यार बग्गी लेके जाएगा पोचिंग की तो उसका जो हाल करेंगे ना पोचिंग की वाले, छोड़ो भाई। तो मैं आता हूँ इस जगह पर, अब यहाँ पर मेरे को एक मिनी हार्ट अटैक मिलता है। अब गेस करो यहाँ पर बंदा कहाँ पर होगा, किधर होगा बंदा, कैम कर रहा होगा इस घर के अंदर। नहीं, मैंने सोचा यार एक काम करते पुचिंग की वालों को देखते हैं, और भाई साहब मिनी हार्ट अटैक होगा मेरे को इसको देख के। अब ये बंदा ऐसा एकदम बिल्कुल फुट नहीं दे रहा था पहले, और उसके बाद शेर बन जाता एकदम। मेरे को लगा ऐसा आराम से होगा, कोई ऑफलाइन वूफलाइन बैठा होगा, अच्छा हुआ नीचे कूद गया मैं। अब ये जो बंदा था इतने मौली फेंक दी मेरे पे, मुझे लगा कूद जाऊंगा मैं यहाँ से, बट बंदा एकदम प्रॉपर था, रेडी था, एंड मेरे से ज़्यादा ये जो है मैं क्या करने वाला हूँ उस चीज़ का इसको पहले से ही पता चल रहा था। मतलब इस बंदे के ऊपर पुश करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए पहली बार में। तो फिर मैं वेट कर रहा था कि कभी बंदा मिस्टेक करे, बिकॉज अपर एडवांटेज मेरे ऊपर था क्योंकि मैं उसके ऊपर पुश कर सकता था, बट वो नहीं, क्योंकि अगर वो पुश करता तो उसका यही हाल होता जो कि उसका हुआ है। सो यहाँ पे जो है इसलिए मैं बेफिक्र था, अगर कर भी देता पुश मेरे ऊपर तो यही होना था उसका, जो कि हो गया। अब वापस चलते हैं गाइस पोचिंग के वालों पे, इधर से मैं मारा हूँ गाइस, और पता नहीं जिसने भी मारा मैंने नाम उसका नोटिस नहीं करा, लेकिन बदला तो लेंगे भाई, जो भी बचा होगा उसके साथ ही ले लेंगे, हमको कौन सा इतना लेना देना है, अपने को किल से लेने देना है बस फिलहाल। फिलहाल एक टीम तो दिखी है यार, लेकिन 3x में कुछ ऐसा लग नहीं रहा मेरे को कि मैं कुछ कर पाऊंगा यहाँ से, बंदे पीक लेके बैठे हैं लेकिन कुछ ज़्यादा होगा नहीं यहाँ से। नहीं अगर मतलब मिला जुला के मैं नॉक कर भी दूँ तब भी बहुत ज़्यादा कुछ बदलने नहीं वाला, तो मैं मल्टीपल एंगल्स ट्राई करता हूँ यहाँ पे उस बंदे के ऊपर, और वो तीन बंदे थे मतलब अलग अलग जगह से पीक ले रहे, मैं भी पंगे लिए जा रहा हूँ उनके साथ। अब यहाँ पे एक चीज़ का डर था मेरे को कि कहीं स्नाइपर ना हो किसी बंदे के पास, और तभी सामने कूदा वही बंदा जिसको मैंने थोड़ी देर पहले निपटाया, दोबारा निपटा दिया इस बंदे को। कितना ऑब्सेशन इसकी पेटी के साथ कि कूदा भी उसी जगह पे जहाँ पे मरा था, बट वो मरा नीचे था, और मैं यही सोच रहा हूँ ऊपर किसकी पेटी पड़ी हुई है गाइस, क्योंकि मैं भी ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था। फिलहाल अब मैंने बोला यार बहुत हो गया, सामने वालों के साथ बहुत कर लिया, अब क्लोज में ही करेंगे जो करेंगे यार, क्योंकि यहाँ से मेरे से तो नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसकी पेटी में से मेरे को जो है स्कोप मिल जाए, जो कि मिल जाता है, तो मैं कुछ ट्राई कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ से थोड़ा सा ट्राई और करता हूँ, शायद एक बंदे को नॉक कर दूँ, बट यहाँ से ज़्यादा यही होने वाला था कि मैं डैमेज ही कर पाता, क्योंकि इतनी दूर है वो जगह कि नॉक भी कर दूँ तो भी वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है, मल्टीपल बंदे। सो मैं बग्गी उठाई, वहाँ पर अपनी फाइट नहीं बनी, मैं वहाँ से निकल लेता ड्रॉप के लिए, मैंने सोचा ड्रॉप लूट लेते यार लग गया, तो ड्रॉप लूटते लूटते मैं इस जगह पे आ जाता हूँ। अब जोन में बचे भी बंदे कम थे और उधर जोन भी नहीं था, सो निकले जोन में। अब इधर मेरे को कुछ बंदे दिखते सामने, अब यहाँ मैंने एक बंदे को नॉक एंड फिनिश एक साथ देना चाहा बट फेल हो गया, बट चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ और बंदे भी हैं उनको भी निपटा लेते हैं लग गया तो गाइस। अभी मेरी फाइट जो है सामने वालों से थी फिलहाल, क्योंकि
लेफ्ट साइड में जो बड़े से घर में बंदे थे स्क्वाड हाउस में, उनको फिलहाल मैंने इग्नोर कर दिया था। अभी फिलहाल सामने वालों को ही मारना था, सो मैंने सोचा चलो घुमा के जो है नीचे से गाड़ी इनके क्लोज ले जाता हूँ, उसके बाद जो है जो होगा दिखी जाएगी, क्लोज में फाइट ले लेते हैं, दूर से तो कुछ ज़्यादा होने नहीं। सो मैं ले देके एकदम चेक वेक करके गया यहाँ पे। अभी जो भी था बंदा वो इस ब्रिज के दूसरी साइड था, यानी कि एग्जैक्ट सेम जगह पे जहाँ पे मैं हूँ बट दूसरी साइड। तो जितने हो सके मैंने नेट ट्राई करे वहाँ पे पहले तो, और इतना मेरे को पता था यार नेट से बढ़ने के चांसेस उसके बहुत कम है वहाँ पे। लेकिन जब नीड हैं तो भाई ऐसे टाइम पे काम में नहीं लोगे तो कब लोगे। सो जितने थे मैंने सारे ट्राई किए। अब मैंने सोचा काम करते हैं, थोड़ा सा प्लान में जो है चेंजिंग कर देगा इस, मैं बग्गी लेके सीधा पुश कर देता हूँ सामने स्क्वाड हाउस पे, क्योंकि अभी तक सबसे फाइट ले रही थी लेकिन इन लोगों से नहीं ली थी। अब जाता हूँ सीधा स्लैम किया और देखो ये होता है जब आप एक अननोन जगह पे स्लैम करते हो। वो शायद इसका टीममेट था या अलग टीम वाला मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मैं जो रूट हिल गया गाइस।